उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नशे का कारोबार करने के मामले में अब महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। जहां इसमें कारोबारी खुद तो जेल में है, लेकिन उसके अनुपस्थिति में उसके घर की महिलाएं इसमें का कारोबार बदस्तूर कर रही हैं। ऐसा ही मामला गदरपुर में देखने को मिला, जब हरपुर रोड से मिली सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक घर में छापा मारा तो महिलाएं साइना और यास्मीन स्मैक बेच रही थी। इनके पास से 18.28 ग्राम स्मैक और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू और 1,40,000 की नकदी सहित कुछ जेवरात भी बरामद किए गए। इसमें से एक महिला साइना पूर्व में भी कई बार जेल जा चुकी है। इस मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि साइना का पति शाकिर, जो कि इस समय 307 के मामले में जेल में है और काफी समय से स्मैक का कारोबार कर चुका था, अब जेल में है तो इसकी पत्नी अब स्मैक बेच रही है और काम को यास्मीन भी इनका साथ दे रही। यहाँ थाना गदरपुर में मुकदमा अपराध संख्या 195/2023 ये गैंग स्टार एक्ट में जो है एक अभियोग पंजीकृत था, जिसमें ये साइन नामजद थी उसमें। तो उसी की गिरफ्तारी के लिए कल हमारे SO गदरपुर द्वारा टीम वहाँ पर जो है उसकी बरामदगी के लिए जो है दबिश दी गई। तो ये अपनी बहन यास्मीन के साथ में जो है अपने उसके घर के सामने खड़ी थी। जब पुलिस टीम को इन्होंने देखा तो ये जो है भागने का प्रयास करने लगे। हमारी उप निरीक्षक महिला उप निरीक्षक कुसुम रावत भी साथ में थी, तो इनको जो है वहाँ गिरफ्तार किया गया। तो गिरफ्तार होने पर इनके पास से 18.28 ग्राम अवैध इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू, 1,40,400 रुपया नकद, 2 मोबाइल फोन, पीली धात का एक हार, 1 जोड़ी झुमके पीली धात के, 6 अंगूठियां पीली धात की जो है इनसे बरामद हुई है। थाना अध्यक्ष के लिए 2 शब्द, ये रिमांड की कार्रवाई की जा रही है। और सर कोई आपराधिक इतिहास किस दोनों में से किसी महिला का? एक महिला के जो अभियुक्त साइन है इसके खिलाफ जो है 5 अभियोग पंजीकृत है जो पूरे NDPS में। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।